तो दोस्तों, आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि मेरे दादाजी के पहले श्राद्ध की तैयारी चल रही थी, चल रही है। और आज दादाजी का श्राद्ध है और अभी लोग भी आने वाले हैं, रिलेटिव हैं हमारे। तो चलिए फिर, आप भी बने रहिए। लेकिन उससे पहले, अभी नींद खुली है थोड़ी देर पहले, अभी नहा रखा है, पहले चाय तो बनती है, थोड़ा पहले चाय पी ली जाए, फिर शुरू करते हैं आगे की तैयारी। सही पकड़े हैं। तो ये उबल गई है गरम गरम चाय। दोस्तों, खीर रखी हुई है बनाने के लिए और खीर लगभग तैयार हो चुकी है, एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ, अभी थोड़ा समय लगेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सब्जी काटने की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। मिक्स वेज बनाई जाएगी जैसा कि कल आपको बताया हुआ था। तो दोस्तों, ये तोरई कट के तैयार हो चुकी है। ये बीन की सब्जी है और ये शिमला मिर्च है और ये मिक्स वेज बनेगी। और ये उड़द की दाल कल भिगाई थी, ये तैयार हो चुकी है पिसने के लिए। ये देखिए दोस्तों, खीर भी बनके तैयार हो चुकी है, आलू भी कट चुके हैं। अब खाना बनाने की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ रायता बनने की जो तैयारियाँ हैं पूरी हो रही, शुरू हो गई हैं। और ये दही कल रात जमाने रखी थी, हो गई है। अब इसको हम रखेंगे इस डिब्बे में। ये देखिए, रायता डिब्बे में डाल दिया है। ये डाल दिया इसमें खीरा, ये इसमें गया धनिया। दोस्तों, जाएगी इसमें राई, अब कल रात मैंने पीसी थी, खुशबू। वाह वाह, क्या बात, ये क्या बात करते हैं यार। तो दोस्तों, अभी रायते को बनाने की तैयारी बढ़िया करके इसको चम्मच से घोला जाएगा। हाथ यदि आपके साफ हो तो हाथ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन झाड़ू जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, खीरा थोड़ा कम हो गया था, थोड़ा हमने और डाला। अब इसमें जाएगा काला नमक, क्योंकि दोस्तों काला नमक का स्वाद काफी अच्छा होता है रायते में। कभी ट्राई करिएगा, आपने शायद करा भी हो किसी ने। मैं नहीं बताऊंगा। अभी इसमें पड़ गई हल्दी, हल्दी स्वादानुसार। यह है इसमें धनिया पाउडर। अब इसको हम मिलाएंगे बहुत बढ़िया करके, बेहतरीन ढंग से। स्पेशल कुक है दोस्तों हमारे पास एक। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही रायता बनके तैयार। अब इसमें लगा देते हैं ढक्कन। अब करते हैं दूसरी तैयारी। तो दोस्तों, अब हम पीसेंगे बड़े। और ये सब तैयारियां हो चुकी हैं। ये है मसाला इसका, इसमें है अदरक, जीरा, मिर्च, क्योंकि लहसुन आज पड़ेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आवारा आवारा में। तो दोस्तों, ये तैयारी हो चुकी है, मैं इसमें लगाता हूँ ढक्कन। अब बनाते हैं बड़े के लिए मसाला। तो दोस्तों, ये बड़ी का मसाला पीस चुका है, तो उड़द की दाल पीस दी है। अब इसके बनाएंगे हम बड़े, ये देख सकते हैं आप। लास्ट में थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा सा पानी पड़ गया इसमें, तो उस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, बाकी जो कैसा जो मिक्स कर लेते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो दोस्तों, इसमें पड़ गया है अब सब्जी मसाला, कसूरी मेथी पहले डाल दी है। बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है भोजन की। तो गाइस, अब हम तलेंगे बड़े। ये चला गया बड़ा। दोस्तों, इसको इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि इसका स्वाद भी बना रहे और जो इसका जो सॉफ्टपन है वो भी रहे। ये देख सकते हैं आप, मेरी गलती है, इसमें थोड़ा पानी ज्यादा पड़ गया, अब गलती माननी पड़ेगी। सॉरी 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 सॉरी। टमाटर भी काटा जाएगा, टमाटर को पीस लेते हैं ताकि बारीक हो जाए और सब्जी में अच्छे से घुल जाए दाल में। तो अब हम पीसेंगे यहाँ पर टमाटर। तो गाइस, जरा से यहाँ पर टमाटर फैल गया है यहाँ वहाँ, थोड़ा बर्तन छोटा हो गया, टमाटर ज्यादा हो गया था, हालत हो गई है ऐसी। तो दोस्तों, जरा इस बर्तन को हमने चेंज करना है, बड़े बर्तन में पीसना होगा हमको इसको। तो गाइस, अब बड़ा बर्तन लगा दिया है, अब दोबारा पीसते हैं हम टमाटर। ये देखिए, मिक्सी के ऊपर हाथ रखने की परंपरा है यहाँ भारत में। परंपरा
प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो देखिए मित्रों, टमाटर पिस चुका है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो दोस्तों ये सब्जी बन गई है मिक्स वेज। अब इसमें पड़ गई है तोरई, ये देखिए अब लग गया ढक्कन। अब इंतजार करते हैं सब्जी बनने का। ये देखिए दोस्तों दाल बन रही है, काफी धुआं हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए से बनने देते हैं। और ये हैं बड़े, तैयार हो चुके हैं बनके बड़े, और सब्जी भी बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों, और पूरियां भी तैयार। ये देखिए दोस्तों चावल दो, ये देखिए चावल धो दिए हैं, अब इनको भिगाते हैं। ये देखिए कुकर में चावल पहले ही रख दिया है। ओए होए होए होए, तू कहाँ चढ़ रहा, नीचे आ जा, नीचे आ। तो क्यों, क्या हुई? दूसरा कुकर भी रख दिया है चावल, इसमें हम लगाएंगे ढक्कन। तो दोस्त अब शुरू हो चुकी है खाने की तैयारी, सब बैठ गए हैं। सबसे पहले जो सीनियर हैं उनको भोजन दिया जा रहा है, और यहाँ बैठे हैं माता जी, चाची और दीदी हमारे। ये देखिए दोस्तों पहले बच्चों को भोजन दिया गया, साथ में बड़ा बच्चा ही बैठा हुआ है ताकि ये खाना खा के खेलने बैठ जाएं। आर्यन गड़िया सबसे बढ़िया। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग भी खाना खाने बैठ गए थे सभी लोग, मैं, मेरी मिसेज, दीदी और चाची लोग, सभी मम्मी लोग ने सबने साथ में खाना खाया बुबू जी का ध्यान करते हुए। देखिए दोस्तों बच्चे भी लग गए हैं अपने खेल में कैरम। ये बड़ा सही तरीका है कि बच्चे अगर आपने शांत कराने हैं तो या तो उनके हाथ में फ़ोन दे दो, एक किनारे बैठा दो, या उनको किसी खेल में लगा दो, फिर देखिए आप उसका कमाल। तो दोस्तों आज दादाजी का वार्षिक श्राद्ध संपन्न हो गया है। हालांकि जो मुख्य श्राद्ध है वो दादाजी के पैतृक गांव यानी कि हमारा जो गांव है वहां हो रहा है, ताऊ जी कर रहे हैं, क्योंकि दादाजी का देहांत यही हुआ था घर में हमारे, तो उनकी याद में भोज का किया था आयोजन। आज इसी बहाने कई रिश्तेदारों से भेंट हो गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।